क्या अभी फौजी बनना चाहता है? फौजी बनने के लिए तैयार है। फौजी को कितना तनख्वाह मिलता है? भर्ती होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पोल में ट्रेनिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे कराया जाता है, आज मैं पूरा डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूँ। सुगस आप अगर इस चैनल पर नया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको फौजी रिलेटेड या मैं कैसे भर्ती हुआ उसके बारे में या आप लोगों को इंटरटेन के लिए इस चैनल पे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नया आया है। जो पुराना है वो तो छोड़ दो, जो नया आया है वो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन किया है संदीप ने, कमेंट किया है लव यू ब्रो, मैं भी एयर में आना चाहता हूँ। तो भाई संदीप वेलकम है, फौज में भर्ती होना चाहते हैं, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि बहुत बहुत लड़का लोग फौज में, कोई आना नहीं चाहता है, कोई को आना चाहता है, तो हर कोई आना नहीं चाहता है, तो आप आना चाहता है तो अच्छी बात है, तो वेलकम है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकेश उपाध्याय, इसने कमेंट किया है भैया मेरा वेट 53 केजी है, तो क्या एसएससी जीडी में रिजेक्ट करेगा क्या? अरे भाई 53 वेट, वो आपका वेट एकदम ठीक ठाक है, उससे कम लोएस्ट 48 होना चाहिए, और ऊपर आपका हाइट का हिसाब से आपका वेट लेता है, तो फिट हाइट भी आपका 170 लगभग होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बीजू माझी ने कमेंट किया है सर असम राइफल में जीडी का मैक्सिमम एज क्या है? मैक्सिमम एज देखो वो कास्ट का हिसाब से होता है एज, जो एससी एसटी उन लोग का शायद अभी मेरे को पहले हमारे टाइम में था 28 साल तक था जो एससी और एसटी का, और ओबीसी और जनरल हो गया, इन लोग का ओबीसी का 26 था और इसका जनरल का 24 था, तो इतना था पहले, अभी तो अभी शायद अभी भी ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित कुमार सिंह ने क्वेश्चन किया है सर असम राइफल जीडी में आर्मी वाला यूनिफॉर्म मिलता है ना टी शर्ट वाला यूनिफॉर्म मिलता है ऊपर का, और सर असम राइफल में फैमिली रख सकते हैं? तो बोला असम राइफल में यूनिफॉर्म आर्मी वाला यूनिफॉर्म, आपको आर्मी वाला असम राइफल के असम राइफल फोर्स कौन कमांड करता है? आर्मी कमांड कर रहा है, तो उसमें आपको ड्रेस में अभी चाहे अभी हो रहा है, अभी हम लोग का ये हो रहा है अपना ड्रेस हो जाए, पहले कोई भी ड्रेस पहन लो कुछ भी नहीं बोलता था, लेकिन आजकल असम राइफल जो है वही अपना ड्रेस पहनते हैं हम लोग। और बोला फैमिली रख सकता है क्या? हाँ पक्का रख सकता है, वो जगह का हिसाब से, अगर टाउन का एरिया के नज़दीक में है आपका यूनिट तो वहाँ रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमरजीत कुमार कमेंटेड सर असम राइफल के ट्रेनिंग कैसे होता है? डेली कितना किलोमीटर रनिंग कराया जाता है? रूटीन क्या क्या होती है? इस पर वीडियो बनाइए सर प्लीज, और एक बात ज्वाइनिंग लेटर परमानेंट एड्रेस पर आता है कि कहाँ आता है? बोला ट्रेनिंग कैसे होता है, डेली रूटीन कितना किलोमीटर रनिंग, अभी किलोमीटर रनिंग बोलने से अभी आप लोगों को तो ट्रेनिंग में वो शुरू में आप लोगों को जैसे भर्ती होगा जैसे ज्वाइनिंग करेगा, ज्वाइनिंग करते टाइम आप लोग से पीटी होगा, पीटी टाइम में आप लोगों को ज़्यादा दूर नहीं धीरे धीरे करा जाएगा, आप लोग को अभ्यास कराया जाएगा, क्योंकि एक दिन में आप लोग को 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ाएगा तो आप लोग नहीं सकेगा, तो इसीलिए आप लोग को पहले क्या करेगा एक दिन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर फिर ऐसा करके करते करते आप लोग को बढ़ाया जाएगा,
किलोमीटर बढ़ाया जाएगा, इम्प्रूव करता है। एक बार में आप लोगों को हथियार के साथ दौड़ाएगा तो आप लोग तो खत्म है, तो इसीलिए धीरे धीरे करता है। और क्या बोला, जॉइनिंग लेटर कहाँ आता है? जॉइनिंग लेटर आप लोगों को शायद प्रेजेंट एड्रेस में आएगा, परमानेंट एड्रेस नहीं है, परमानेंट एड्रेस तो है लेकिन प्रेजेंट एड्रेस में शायद जॉइनिंग लेटर आप लोग का जो कोई भी लेटर है वो उसमें आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल में क्या चेक करता है उसके बारे में बताओ। कौन किया ये? मनीन दैमारी। मनीन दैमारी ने कमेंट किया है, मेडिकल में क्या चेक करता है। तो मेडिकल में चेक करने से करने के लिए आपको क्या है, आप अगर फीड है, फिजिकल फीड है, ऊपर से लेकर आंख, नाक, मुख, कान, ये चेस्ट का जो अंदर में जो है छाती का अंदर में, हाथ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका हड्डी शड्डी टूटा नहीं होना चाहिए अंदर का। उसके बाद नीचे का जो आप लोगों को पता है नीचे का भी ठीक होना चाहिए, पाओ ये पाओ किसी का ये हिस्सा लगता है, ये वाला हिस्सा लगता है तो उसमें भी आप लोगों को किसी को आउट करा देता है। और बस इतने ज्यादा कुछ नहीं है आपका, अगर फिट है अंदर से फिट है, रनिंग शनिंग करता है तो आप लोगों कोई मुश्किल नहीं है, बस आप लोग करते रहो, देने वाला तो ऊपर वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत कुमार उपाध्याय कमेंटेड, सर क्या असन रफल का ट्रेनिंग आर्मी कराती है? हाँ या ना, दोनों, क्योंकि आर्मी से भी आता है इंस्ट्रक्टर और असन रफल का भी अभी इंस्ट्रक्टर है, क्योंकि असन रफल आर्मी में जाके ट्रेनिंग करके आता है, इंस्ट्रक्टर बन के आता है, सो रहता है, एक दो रहता है आर्मी का भी रहता है और असन रफल का भी। पहले क्या होता था, पहले भर्ती होते ही आप लोगों को ज्वाइनिंग आर्मी में होता था, सीधा आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में जाता था और उधर ही जाके ट्रेनिंग करता था, लेकिन आजकल इधर ही सब कुछ इंस्ट्रक्टर इधर जगह भी बहुत है तो उधर ही हो जाता है ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद कुमार बद्धा फिर कमेंट किया, सर असन रफल जीडी का ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है? असन रफल जीडी का ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है? जीडी का ट्रेनिंग बोलने से आप लोगों को होता है, एक सुकुबी में होता है और एक दिमापुर तीन बाल में होता है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराज कमेंटेड, भाई हमें भी फौजी बनना है, कैसे बने? असन रफल फौजी बनना है और कैसे बने? फौजी बनने के लिए आप लोगों को क्या ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपका फिजिकल ठीक होना चाहिए, आपको फिजिकल ठीक होना चाहिए, बस रनिंग करो, पढ़ाई करो, बस और क्या है, यही तो है, पढ़ाई करना चाहिए, फिजिकल रनिंग करो, रनिंग पास होना चाहिए, उसका मेडिकल ठीक होना चाहिए और पढ़ाई होना चाहिए, बस ये तीन होना चाहिए बस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटोल्ड ड्रीम्स कमेंटेड, जहीन सर हैप्पी फैमिली, सर प्लीज मेक ए वीडियो और ऑन एयर ट्रेनिंग इन डिटेल्स। तो ट्रेनिंग का डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए आपको एक वीडियो बनाना पड़ेगा, सो नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सकता है तो बना दूंगा। रीताप मंडल कमेंटेड, असन रफल का सैलरी पे स्लिप रिक्स अलाउंस का बारे में बोलो। पे स्लिप तो नहीं पता चलता है, असन रफल का पे
पे बोलने से आप लोगों को जैसे भर्ती होते ही आप लोगों को क्या है ठीक है आसपास होगा। इसके बाद निखिल गोराट कमेंडेड, जय हिंद सर, सर एक सवाल था आपसे, क्या आसान रेफल से एनएसजी या पारा कमांडो बन सकता है? यस, पक्का बन सकता है, बहुत जाता है। आशीष दुबे, आशीष चौबे कमांडेड, यार मैं डिपेंडेंट को आर्मी कमांड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का फैसिलिटी मिलता है क्या? हाँ, जगह जगह में मिलता है, पर जगह जगह में नहीं है, वो हर एक लोकेशन में नहीं है, वो कोई कोई लोकेशन में है, वो आप लोग पता कर लेना कहाँ कहाँ है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन, गुड सॉन्ग कमेंडेड, ब्रो आसान रेफल में स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? एक न्यू रिक्रूट जीडीपी और कलर की इन हैंड सैलरी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बता चुका है। सो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज वीडियो खत्म करने से पहले आप लोग एक मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज मैं कहाँ हूँ, ये मैं छुट्टी में हूँ। तो ये पैर मैंने ये कम से कम 2 साल पहले लगाया था, ये पैर पूरा, ये वो उधर बम्बू शंबू है और ये गमरी का पैर बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं पता नहीं, ये पैर को गमरी का पैर बोलते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है धान खेत, ये पूरा हमारा है धान, इसमें भी पेड़ लगाना पड़ेगा, अभी खाली जगह हो रहा है। यहाँ से वो उधर जो पेड़ दिखाई दे रहा है वो लास्ट तक हमारा है, ये यहाँ से ये पूरा हमारा है। चलिए आज जंगल में वीडियो बने, बस ये वीडियो को इतना शेयर करना क्योंकि आप लोग को बहुत खुशी, भाई को जो आना चाहता है उसके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो बस आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि अगला वीडियो बनाऊंगा जो कमेंट आप लोग देगा उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मैं बता सकता हूं वो उतना बता दूंगा। तो चलिए गैस, आज का वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय एंड जय हिंद।